वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ माय चैनल लर्न विद स्टडी। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की या एमटीएस के लिए, सारे के लिए स्पेशल क्लास है। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट फोर। इससे पहले मैंने पार्ट वन से लेकर के पार्ट थ्री तक ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ और टोटल 30 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कवरअप कर चुका हूँ। इस टॉपिक से टोटल हम करने वाले हैं 120 प्लस क्वेश्चन, यानी 120 प्लस क्वेश्चन इस टॉपिक से करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक के वीडियो सॉल्यूशन। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बगल में बेल आइकन होगा, वहां पे प्रेस करके उसके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, प्रीवियस ईयर सीरीज जो ये चल रही है 7300 प्लस सीरीज, इसमें ये पांच टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीटली फिनिश हो चुके हैं। नंबर सिस्टम 413 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है 35 वीडियो में। परसेंटेज 314 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है 25 वीडियो में। प्रॉफिट एंड लॉस 343 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराया हूं 34 वीडियो में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन 268 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराया हूं 27 वीडियो में। और सिंपल इंटरेस्ट 116 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराया हूं 12 वीडियो में। और ये पूरी तरह से तीनों पांचों टॉपिक्स क्या है, कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आप इन सारी कंप्लीट टॉपिक्स को देखना चाहते हैं सिक्वेंस वाइज, तो आप क्या करें, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहां पे मैंने इस टॉपिक्स का फोल्डर बना चुका हूं, आप वहां से आसानी से देख सकते हैं और आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आपको ये 5 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं, जिसमें आपको सीजीएल प्रीमेंस के क्वेश्चन इंक्लूड हैं, सीपीओ प्रीमेंस के क्वेश्चन इंक्लूड हैं, सीएचएसएल के क्वेश्चन इंक्लूड हैं और एमटीएस के। तो आप किसी भी एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए जो है, अगर मैं बात करूं तो मोर देन इनफ है। इतना करने के बाद आप सारे क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दोगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट में टोटल हम 128 क्वेश्चन करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 टू 40 के वीडियो सॉल्यूशन। वही चीज है, अगर आपको पसंद आता है सेशन तो आप लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आता है आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, मैं अब आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ठीक है। क्योंकि हर एक टाइम बोलना अच्छा नहीं लगता मेरे को भी, और आप ऑलरेडी इतने समझदार हो चुके हैं कि अगर आपको सेशन पसंद आता है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है डिसलाइक कीजिए। लेकिन हमेशा अगेन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना ज्यादा जेन्युइन, अगर आपको रियल में आपको सेशन पसंद आता है, आप चाहते हैं कि और वीडियो आती रहे, तो आप जरूर इस चैनल को शेयर कीजिए या आप इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जो लोग ज्वाइन नहीं है, ताकि उनको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देर नहीं करते, हमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्या कहा गया है, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स इटसेल्फ इन 3 ईयर एट द कंपाउंड इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ईच। कहा गया कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुना हो जाती है तो ब्याज दर प्रतिवार्षिक क्या होगी। देखो, अगर मैं आपको बात करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जा रही है, यहां पे कहा जा रहा कोई सम है वो 8 गुना हो जा रहा है, यानी कि प्रिंसिपल अगर 1 यूनिट है तो 8 गुना मतलब अमाउंट कितना हो गया इसका 8 गुना, यानी 8:1:8, ये हमें पता चल गया प्रिंसिपल। और ये कितने साल की बात हो रही है, 3 ईयर में ये कंडीशन है। हमें पूछा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यानी आर परसेंट जो होता है ये क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यानी कि एक साल में ब्याज की दर क्या होगी। तो जब 2 ईयर से हमें 1 ईयर में मूव करना है, तो जो 3 ईयर का दिया हुआ था तो इसका क्यूब रूट कर लेंगे। क्यूब रूट करेंगे तो 1 का कितना हो जाएगा 1, और ये किसका होता है 2 का क्यूब रूट होता है कितना, 2 का क्यूब होता है 8, यानी ये कितना हो गया 2। तो ये पता चल गया कि 1 ईयर का प्रिंसिपल इतना है, अमाउंट इतना है, यानी प्रिंसिपल 1 यूनिट, अमाउंट 2 यूनिट, इंटरेस्ट कितना बना 1 यूनिट का। इंटरेस्ट किस पे बनता है, प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल कितना है 1 इंटू परसेंटेज में करने के लिए 100, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 100%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं, देखिए हमारे पास दिया गया है 3 ईयर का क्या दिया गया है, प्रिंसिपल और अमाउंट। अगर प्रिंसिपल 1 यूनिट है तो अमाउंट 8 गुना हो जा रहा है, ये क्या 8। अगर यहां से हमें 1 ईयर पे आना है, क्यों 1 ईयर पे आना है, क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम यानी एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, तो क्या करेंगे इसका क्यूब रूट कर देंगे। क्यूब रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1:2, यानी प्रिंसिपल 1 यूनिट है और इंटरेस्ट 2 यूनिट है, यानी कितना यूनिट इंटरेस्ट बढ़ गया 1 यूनिट, कंपाउंड इंटरेस्ट 1 यूनिट किस पे, प्रिंसिपल पे, परसेंटेज में करने के लिए 100, यानी क्या हो गया 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 32।
देखिए 32 क्वेश्चन क्या कहा गया है, ए सम ऑफ मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू इतना इन 3 ईयर एंड इतना इन 2 ईयर, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। मान लेते हैं कोई प्रिंसिपल पी है 2 ईयर में, 2 ईयर में वो कितना हो जा रहा है, देखो 2 ईयर में कितना दिया गया 9680, यानी 2 ईयर में 9680, यहां से यहां तक की क्या है 2 ईयर। आगे बढ़ते हैं, एंड 3 ईयर में कितना हो जा रहा है इतना, यानी कि अगर मैं बात करूं 3 ईयर में बढ़ के कितना हो जा रहा है तो 10648, यहां से यहां तक क्या है 3 ईयर। तो हमें पूछा क्या गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यानी आर परसेंट निकालना है क्या 1 ईयर का, यानी कि 1 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ये जो रेट होता है पर एनम होता है, यानी 1 साल में ब्याज की दर फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहां से यहां तक 2 ईयर में हुआ और यहां से यहां तक 3 ईयर में हुआ, तो ये वाला जो पीरियड है यहां से यहां कितना हुआ 1 ईयर, और 1 ईयर में इंटरेस्ट कितना बढ़ा, देखो यहां से ये अमाउंट यहां हो गया, यानी इंटरेस्ट बढ़ा कैसे निकालेंगे, 10648 में से 9680 माइनस कर दें तो कितना हो गया 8, ये कितना बचा 6, और ये कितना हो गया 9, कैंसिल, यानी ये इंटरेस्ट बढ़ा 968, यानी 900, इसमें अगर मैं 968 जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा, यानी हमें ये पता चल गया 1 इंटरेस्ट का क्या हो गया 1 ईयर का इंटरेस्ट। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम निकालना है, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है 968, और किससे हुआ है 9680 पे, और परसेंटेज में करने के लिए 100। अगर ये 2 ईयर का होता तो हम डायरेक्टली नहीं कर पाते, क्योंकि हमें 1 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है तभी हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, अगर 2 ईयर का होता ये तो हम अप्लाई नहीं कर सकते थे, 3 ईयर का होता तो भी नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि हमें 1 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट चाहिए, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट, और किससे बढ़ के इंटरेस्ट हुआ है 9680 से, तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं, देखिए 10 से 10 कैंसिल, ये कैंसिल, यानी कितना हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहा गया, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी 2 ईयर एट 4% पर एनम आर रुपीज 100, देन सम इज। कहा गया है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस दिया गया है 2 ईयर का, वो डिफरेंस है 800 रुपीज, रेट कितना है 4% पर एनम है, और टाइम कितना दिया गया है 2 ईयर। मैंने यही बताया हूं आपको एक फॉर्मूला फॉर 2 ईयर के लिए डिफरेंस का, ओनली फॉर 2 ईयर के लिए वैलिड है वो डिफरेंस का फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर। डिफरेंस दिया गया है 800 इज इक्वल टू प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4/100 इसका होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 1/25, 800 इज इक्वल टू पी इंटू 1/25 इंटू 1/25, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लूं तो 800 इंटू 25 इंटू 25। अब देखो हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आपको टेबल पता होता है 25 इंटू 8 कितना 200, तो ये 200 तो हो गया और 2 जीरो और है, इंटू 25, और 25 इंटू 2 कितना हो गया 50, 50 तो हो गया 4 जीरो उसके साथ 1 2 3 4, तो कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये ऑलरेडी मैं आपको ये तरीका बता चुका हूं कि कैसे हमें क्वेश्चन को करना है। दूसरा तरीका ऐसे भी जा सकते हो मेथड 2 के अकॉर्डिंग, मेथड 2 परसेंटेज मेथड से, कैसे देखो सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर का क्या हो जाएगा, 1 साल का इंटरेस्ट 4%, तो 2 साल का 4 × 2 यानी कि 8%, और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर का निकालना है, पहला 4%, दूसरे साल भी 4%, तो इसको मैंने वो फॉर्मूला बताया था a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 पे, तो 4 + 4 + 4 × 4/100 वाले पे निकाल देंगे इसको, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज आएगा 4 × 4 = 8, यानी 8.16%। देखो ये हुआ 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और ये 2 साल का कंपाउंड, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 0.16%, यानी 0.16% की वैल्यू कितनी है आपको दिया गया, वो डिफरेंस कितना है 800 रुपए के बराबर, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800/0.16, इसको मैं हटा दूं तो 16 × ऊपर क्या हो गया 100, और हमें पूछा क्या गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100%,
तो एक यहाँ पे मैं एक और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट मूव कर रहा हूँ, तो 16 5 80 यानी 5 है, उसके साथ 2 2 4 1 5 0 आ गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक और तरीका से कर सकते हो बॉक्स मेथड से, मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं कि हर एक तरीका से आप यूज कर सकते हो बॉक्स मेथड से। कैसे कर सकते हो ध्यान से देखो, देखिए ध्यान से, अगर मैं आपको बात करना चाहूं बॉक्स मेथड में 4% है, 4% का मतलब 1/25, अगर टाइम दिया गया है 2 ईयर तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्या मानते हैं, 25 का होल स्क्वायर यानी कितना हो गया 625। चलो पहली बार 625 का 4%, 4% का मतलब 1/25 यानी क्या हो गया 25, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले साल का इंटरेस्ट कितना है 25, दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा उतना ही, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट और इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा यानी 4% 1/25 यानी 1। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये टोटल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और ये 2 साल का, ये वाला जो पोर्शन होता है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, दोनों के बीच वाला डिफरेंस सिर्फ क्या है ये 1 यूनिट, और वो क्वेश्चन में कितना दिया गया 1 यूनिट 800 रुपए के बराबर है। हमसे पूछा गया है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना यूनिट हमने माना है 625 यूनिट, यानी 625 यूनिट की वैल्यू 625 × 800। अब मल्टीप्लाई कर लेना यार, देखो 8 5 40, 8 2 16 4 20 और 8 6 48, 2 50 और 2 0 और हमारा आंसर तो भी यही आएगा। तो तीनों मेथड मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं इससे पहले, अगर आप कंफर्टेबल जिसमें फील करते हो आप कोई भी यूज कर सकते हो, आपसे क्वेश्चन बनेगा। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक है तो आप क्वेश्चन को डरना नहीं है, आप किसी भी तरीके से उसको तोड़ मरोड़ कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। और देखिए अगर सेशन से मजा आता है तो डेफिनेटली यार जेन्युइन कैंडिडेट हो, अगर आपको सेशन से हेल्प मिलता है तो लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना, बाकी आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहा गया, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 2 ईयर 4% पर एनम इज 10 देन द सम। अब मैं डायरेक्टली एक मेथड बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूं, तो इसके लिए मैं एक सिंपल मेथड से वही की फॉर्मूला, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होता है P × R/100 का होल स्क्वायर। बस मैं इसी को आप तीनों मेथड से ट्राई कर लीजिएगा, बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। डिफरेंस कितना दिया गया है 10 = प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4/100 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया 1/25, 10 = P × 1/25 × 1/25, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 25 × 25 × 10, 25 × 25 625 यानी 6250 रुपीज क्या हो गया प्रिंसिपल, यानी ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तीनों मेथड से बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी मेथड से बनेगा, तीनों मेथड। इससे पहले मैंने 2 मेथड, एक परसेंटेज मेथड बताया हूँ उस पर भी अप्लाई कर लीजिएगा, और थर्ड आपको बॉक्स मेथड मैंने बताया हूँ उस पर भी अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए 35 क्या कह रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना फॉर 9 मंथ एट 20% पर एनम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब देखिए सिंपल क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हो। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या कहा गया है, हमारे पक्ष का प्रिंसिपल दिया गया है 16,000, हमारे पास रेट दिया गया है 20% और 9 मंथ दिया गया है, 9 मंथ की बात की गई है, और एक क्वेश्चन एक दिया गया है कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है कि ये जो आएगा क्वार्टरली, मतलब एक साल में क्वार्टर 4 होते हैं, 3 3 मंथ पे आएगा, 3 मंथ 3 मंथ और 3 मंथ, तो आपको इस तरह से कर सकते हो कि इसको 3 मंथ ऐसे ब्रेक करोगे 3 3 3, या आपने पढ़ा होगा अगर क्वार्टरली होता है, क्वार्टरली आए तो रेट में 4 से डिवाइड करते हैं तो रेट कितना हो जाएगा 5%, और जो टाइम दिया गया उसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया 36 मंथ। 36 मंथ का मतलब क्या है, एक ईयर में 12 मंथ होता है, 12 से डिवाइड करूंगा तो क्या इसको 3 ईयर की तरह हम ट्रीट करेंगे। समझ में आया बात को, कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब यही होता है। अब इसको हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो इसको बहुत तरीके से आप बना सकते हो, बॉक्स मेथड से यूज कर सकते हो, अलॉट ऑफ थिंग्स से आप इसको बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंडेंट।
अब जैसे देखो मैं इसको बहुत सारे तरीके से बना सकता हूं, तो उनमें से एक दो मेथड मैं आपको बता देता हूं, नहीं तो इसको तीन चार पांच मेथड से मैं बता सकता हूं, लेकिन एक सिंपल मेथड से मैं आपको समझाता हूं। देखिए ध्यान से, 5% का मतलब कितना होता है, 1/20, क्योंकि हम ट्रीट करेंगे हम नए वाले से, क्योंकि क्वार्टर में हमने चेंज कर दिया। 5% का 1/20, 1/20 का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है और ये क्या है, इंटरेस्ट है। तो फर्स्ट हम तीन ईयर की तरह ट्रीट करेंगे, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट प्रिंसिपल और यहाँ पे अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है 20 यूनिट, और अमाउंट एक बढ़ गया यानी इंटरेस्ट एक बढ़ गया यानी कितना हो गया 21। दूसरे साल भी वही है 20 से 21, तीसरे क्योंकि इसको तीन ईयर की तरह ट्रीट करेंगे। अब तीन ईयर में देखो प्रिंसिपल कितना हो गया, 20 × 20 × 20 यानी कितना, 8000, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 20 का क्यूब कितना होता है, 8000, और ये फेमस है 21 का क्यूब कितना होता है, 9261, और 21 का क्यूब कितना होगा, 9261। अब देखो ये प्रिंसिपल तीन साल का है, ये अमाउंट तीन साल का है, तो इंटरेस्ट कितना बना, इंटरेस्ट यहां से यहां बढ़ा, कितना बढ़ा, 9261 माइनस 8000 यानी कितना हो गया, 1, 6 और 2 और 1, 1261 यूनिट बढ़ गया। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया, प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल कितना है 16000, 8000 यूनिट की वैल्यू कितनी है 16000, यानी कितना गुना है, 2 गुना है। तो हमें पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या, 2 इतना 1261 यूनिट, यानी एक यूनिट की वैल्यू 2 है, क्योंकि देखो अगर मैं इस तरह से लिख दूं आपको, 8000 यूनिट की वैल्यू कितनी है 16000 है रुपए, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैट से, एक यूनिट की वैल्यू 2 रुपए के बराबर है, तो हमसे पूछा गया है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 1261 यूनिट की वैल्यू, तो 1261 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 6 दूनी 12 12 दूनी 24 25, तो 2522 कितना हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये आपको मैं बोलूं तो ये सिंपल तरीका है करने का, और ये मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट मेथड है, आप इसी मेथड से कर लो, आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नहीं तो अदरवाइज इसका 2-3 मेथड और मैं बता सकता हूं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है ये करने का रेशियो मेथड से, आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आसानी से डिस्कस कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहा गया है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर, 5% पर एनम फॉर सेकेंड ईयर एंड 6% पर एनम फॉर थर्ड ईयर, देन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन आरएस 10,000 फॉर 3 ईयर विल बी। देखो मैं यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको मोबाइल को साइलेंट फीचर पे डाल देता हूँ। चलिए अब हम आते हैं अपने जो पॉइंट है क्वेश्चन का। देखिए ध्यान से जो जो चीजें दी गई है मैं आपको समझाता हूँ। प्रिंसिपल दिया गया है 10,000 रुपीज है, ठीक है। हमें कहा गया पहले जो फर्स्ट ईयर है वो रेट कितना के हिसाब से लग रहा है, 4% पर एनम, दूसरे साल रेट है 5% के हिसाब से, और तीसरे साल क्या है 6% के हिसाब से। तो हमें पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। देखो फर्स्ट 4% का क्या होता है, 1/25, यानी 25 से एक बढ़ गया, यानी फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल 25 है और एक बढ़ गया यानी अमाउंट 26। सेकेंड दूसरे साल 5% का मतलब 1/20 यानी 20 से 21 हो गया। थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर कितना है 6%, और 6% का मतलब क्या होता है, देखो 6% यानी 6/100, 6/100 यानी कि 3/50, यानी 50 था 3 बढ़ गया यानी 50 से 53, यही हो गया। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दें, वही चीज जिस इससे पहले जैसे क्वेश्चन किए थे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25,000, क्यों, क्योंकि 25 × 50 500 हो गया, 500 × 5 50 और 3 जीरो हो जाएगा, देखो कैसे 25 × 20 × 50 कितना हो जाएगा, 25 × 50 और 10 × 50 यानी 25 × 25 और 25 और 3 जीरो। तो ये मैं आपको समझाने के लिए किया हूँ आप, और ये आपकी कैलकुलेशन की स्पीड के ऊपर मैटर करता है। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करना है तो अब कैलकुलेशन स्पीड सही होनी चाहिए, फास्ट मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा 28938, कितना आ जाएगा 28938। अब देखो ये 3 ईयर का प्रिंसिपल हो गया, 3 ईयर का अमाउंट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों यानी यहां से यहां बढ़ना
यानी कितना बढ़ा 28938 में से मैं क्या करूं 25,000 माइनस कर लेता हूं तो कितना हो जाएगा 839 और ये कितना बचा 3 यानी कि 3938। अगर मैं इसमें से 25,000 में इतना जोड़ दूं 3938 तो हमारा अमाउंट क्या इतना आ जाएगा 289। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, देखो ध्यान से, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो प्रिंसिपल कितना है 25,000 यूनिट, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में प्रिंसिपल एक्चुअल में कितना है वो 10,000 रुपए के बराबर। 30 से 30 काट दूं तो, और 5 से 50 25 और 5 से काटूं तो 5 × 2 = 10 यानी एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/5 रुपए के बराबर। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 3938 यूनिट, तो 3938 इंटू 2/5। अब देखो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा हमें, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करें मल्टीप्लाई कर देता हूं 8 × 2 = 16, 3 × 6 = 17, 9 × 2 = 18 और 3 × 6 = 7/5। अब मैं भाग दे रहा हूं तो 5 × 5 ये इतना बचा 2/8, 5 × 25 कितना बचा 3, 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35 तो 2/25.20 और आंसर कौन सा मैच कर गया, आंसर हमारा मैच कर गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। और इतना करने की जरूरत नहीं थी, जैसे ही हम दो डिजिट पे आ रहे थे, देखो मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम में कैसे करते हैं। 1/5 आया ना, देखो 1/5 पे स्टार्टिंग क्या है 1/6 है, नहीं हो सकता 1/6 है, नहीं हो सकता 2 से स्टार्टिंग नहीं हो सकता, यानी जैसे ही 1/5 आया आप डायरेक्टली आंसर लगा सकते थे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक और इसका अल्टरनेटिव आपको मैं बता देता हूं ताकि आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखिए पहले प्रिंसिपल क्या है 10,000, पहले साल का इंटरेस्ट कितना लग रहा है 4%, तो 10,000 का 4% 10,000 है और इसका 4% तो 4/100 यानी कितना हो गया 400, यानी पहले साल इंटरेस्ट कितना लगा फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 400 है। अब अमाउंट बढ़ गया कितना 10,400। अब दूसरे, अब ये क्या है अमाउंट बन गया, अब दूसरे साल 5% लग रहा है तो 10,400 का 5% निकाल दो, 5% कितना हो गया कैंसिल, 5 × 20 10 × 5 = 50 और 2 = 52 यानी 520 हुआ, यानी दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना है 520। ये दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, सेकेंड साल का, दूसरे साल का, तो फिर जोड़ेंगे अमाउंट कितना हो जाएगा 2,54,901। अब तीसरे साल क्या है, ये दूसरे अमाउंट बन गया, अब तीसरे साल 6% लग रहा है ब्याज तो 10,920 का 6% निकाल दो, 6/100 कैंसिल। अब मल्टीप्लाई करता हूँ 6 × 12 = 9, 6 × 54 = 55, 5 और ये कितना हो गया 6/10 यानी 6,55.2 ऐड करेंगे, हमें ऐड करके अमाउंट मिलता, लेकिन हमें चाहिए क्या, ये थर्ड ईयर का क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें तीन साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा तो 400, 520 और 655.2। देखो मैं जोड़ देता हूँ 400 प्लस, क्योंकि पहले साल का दूसरे साल का इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना 520 प्लस तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना 655.2। अब देखो ऐड करूंगा तो 500 400 900 9 6 1500 यानी 1500 तो ये हो गया, प्लस देखो 55 और 20 कितना हो गया 75 75.2 यानी 1575.20। आंसर कौन सा मैच कर गया ऑप्शन सी। तो ये अल्टरनेटिव मेथड है, आप आसानी से इससे भी कर सकते हो। मैं हमेशा बताया हूं कि आप एक चीज पे फोकस करने के बजाय आपके पास एक लॉजिक होना चाहिए, उस लॉजिक को भी अप्लाई करने आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन की वैरायटी, अगर कल को नए क्वेश्चन फॉर्म देखोगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 37 सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर टू ईयर एट 4% इज इतना, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सेम सम ऑफ मनी फॉर द सेम रेट फॉर टू ईयर इज क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को सबसे बेटर मेथड होता है बॉक्स मेथड, बॉक्स मेथड से आप आसानी से कर सकते हो। देखो 4% दिया गया, 4% की वैल्यू कितनी होती है 1/25, टाइम दिया गया है टू ईयर,
तो मैं क्या मान लू, टू ईयर दिया गया तो मैं मान लू प्रिंसिपल 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 यूनिट, और इंटरेस्ट निकालू तो 625 का कितना 4% यानी 1/25 यानी कितना 25 यूनिट, यानी पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है सेम होता है, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट बॉक्स मेथड से 25, तो दूसरे बार भी क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट 25, लेकिन दूसरे साल का ये जो आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इसका 4% यानी 1/25 यानी कैंसिल हो गया कितना हो जाएगा 1, ये तो 25 ही होगा यानी यहाँ पे कितना आएगा 1। अब देखो हमें ये पता चल गया ये क्या है, दो साल का ये पूरा का पूरा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, और दो साल का ये वाला जो क्या होता है ये सिंपल इंटरेस्ट, और ठीक है। और हमें पूछा क्या गया है, देखो ध्यान से, हमारे पास दिया गया है दो साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 2448 यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 25, देखो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, तो देखो 25, 25, 50 और 51 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 2448, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 2448/51। आगे बढ़ते हैं तो हमें निकालना क्या है उसी साल का दो ईयर का सिंपल इंटरेस्ट सेम रेट पे, तो सिंपल इंटरेस्ट दो साल का कितना है यहां से यहां तक 25 और 25, 50 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करने, तो इसमें 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूं क्योंकि हम अलग एक बार लिखने के बजाय 50 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है 50 यूनिट से मल्टीप्लाई। अब देखो मैं कैसे इसको सोल्व करूंगा वो चीज समझने वाली बात है, देखो अगर मैं इसको 51 से भाग दे रहा हूं, 51 से मैं भाग दे रहा हूं 2448 को, तो 51 से भाग दूंगा तो चार बार में चला जाएगा क्योंकि 4 और 5 चौके 20 कितना हो गया 0, 4 और 8 ये 8 बार में चला गया यानी ये इससे कितना 48 टाइम्स में कैंसिल, तो 48 × 50 कितना हो जाएगा 8, 5, 40, 5 चौके 20 और 4, 24 यानी 2400 रुपए क्या हो गया इसका सिंपल इंटरेस्ट, तो ऑप्शन क्या मैच कर गया बी इज द राइट आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन था आप आसानी से कर सकते हो, इसका अगर चाहो तो एक अल्टरनेट मेथड और बता देता हूँ, बॉक्स मेथड तो हो गया, परसेंटेज मेथड से भी कर सकते हो। परसेंटेज मेथड से कैसे कर सकते हो देखो ध्यान से, 4% पर एनम है टू ईयर, तो हम मैं अगर बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज कितना होगा 4 × 2 डेट मीन 8%, कंपाउंड इंटरेस्ट टू ईयर का कैसे निकालेंगे, पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, दूसरे साल का 4%, यानी इसको मैं फॉर्मूला में यूज करूं a+b+ab 4+4+4 × 4/100 4 और 4 8 और ये कितना होगा 16 यानी 8.16%, ये क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और देखो दो साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया गया इतना यानी 8.16% की वैल्यू कितनी दी गई 2448, तो 1% की वैल्यू 2448/816, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, 8.16 पॉइंट हटा दूं तो ऊपर चला गया 100, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ना, तो पहले मैं प्रिंसिपल निकाल दूं, सिंपल इंटरेस्ट सॉरी 8% है ना यहाँ पे, तो सिंपल इंटरेस्ट 8% की वैल्यू यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, बस सिंपल रह जाएगा। अब देखो 816 क्या ये तीन बार में चला जाएगा, 816 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 और 3 = 4 = 24 ये तीन बार में चला गया, 8 × 3 कितना हो गया 24 और 2 0 यानी इस तरह से भी आपका आंसर आ गया। तो आप जिसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हो आप उस मेथड से जा सकते हो, इट्स योर चॉइस, मेरा काम है आपको समझाना, और मैं आपको इस तरह से समझा रहा हूं कि आई होप आपको पूरा का पूरा मजा आने वाला है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट से आपको डर लग रहा होगा इससे पहले, अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से सबसे मजा आने वाला, आपका फेवरेट टॉपिक बन जाएगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको आप किस तरह से करते थे इससे पहले आपके ऊपर डिपेंड था कि आपने किस तरह से इसको सोच रहे थे, अब आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहा गया, इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर इज 5% इज 15.25 देन सम इज। देखो ऐसे क्वेश्चन को सबसे बेटर तरीका होता है बॉक्स मेथड से बनाओ, बॉक्स मेथड ऐसे क्वेश्चन को सबसे सिंपल, तीन साल का जब भी आए थ्री ईयर की बात करें तो बॉक्स मेथड से बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा। डिफरेंस दिया गया है सीआई माइनस एसआई का तीन ईयर का क्या डिफरेंस है 15.25। तो देखो सबसे पहले बॉक्स मेथड में आपको बताता हूं,
5% का मतलब कितना होता है 1/20, और टाइम कितना दिया गया है 3 ईयर। तो मैंने बताया था अगर 1/n के फॉर्म में रेट हो तो हमें टाइम जितना होगा उसका, अगर मैं प्रिंसिपल मानना है तो n का टाइम अगर 3 है तो पावर 3, यानी प्रिंसिपल n की वैल्यू कितनी है 20, यानी 20 का क्यूब यानी कितना 8000 यूनिट क्या हो गया प्रिंसिपल। अब देखो ध्यान से, पहले साल का, अब मैं तीन बॉक्स मेथड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, 3 साल की बात किया गया है, तो पहले इस तरह से, दूसरे इस तरह, 2 साल में 2 बॉक्स, 3 साल में, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। और अगर ये आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे चैनल पे 70 डेज मैथ कोर्स की प्लेलिस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट की, वहां से देखिएगा, आपको बॉक्स मेथड पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे मैंने बॉक्स मेथड अच्छे से समझाया हूं। अब देखिए ध्यान से, पहले साल 8000 का कितना 5% यानी 1/20, 4 यानी 400, यानी पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 400 है तो ये भी 400 होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर सेम होता है। अब यहां पे क्या निकालेंगे, इसका 4-5% यानी 1/20 यानी कितना हो जाएगा 20, और जैसे ही 20 आया तो दूसरे साल इन दोनों पे लगेगा, लेकिन हम डायरेक्टली हम के इसका हम डबल करते हैं तो कितना हो गया 40, तीसरा साल होता तो 20 का 3 यानी 60 हो जाता। अगर यहाँ पे फोर्थ ईयर की बात करते हैं तो 20 का 3 यानी यहाँ पे डबल, इस तरह से चलता है। और ये आपको तब समझ में आएगा जब आप मेरी 70 डेज कंपाउंड इंटरेस्ट देखोगे। अब उसके बाद यहाँ पे भी क्या है, इसका 5% यानी 1/20 यानी 20 का 1/20 कितना हो गया 1, यानी मैं इसको सारा इरेज कर लेता हूँ जो मैंने इस तरह से मैंने इसको डिनोट किया था, इन सब सारे चीजों का काम खत्म हो चुका है। अब देखिए ध्यान से, पूरा का पूरा ये क्या है, ये पूरा का पूरा चीजें हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये पूरा का पूरा ये क्या है 3 साल का ये वाला पोर्शन है सिंपल इंटरेस्ट। तो डिफरेंस कितना आया, सिर्फ डिफरेंस में यही डिफरेंस है, मैं देखो दिखाना चाहता हूं कलर चेंज करके, डिफरेंस सिर्फ यही है दोनों में, डिफरेंस कितना यूनिट है 40 और 20 60 और 1 61 यूनिट, 61 यूनिट का डिफरेंस है, और वो क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दिया गया है 15.25 रुपए यही दिया गया है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1525/61, और डेसिमल को हटाया तो 100 नीचे। अब हमें निकालना क्या है, सम प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल 8000 था, तो एक यूनिट की वैल्यू इतना, तो 8000 की वैल्यू 8000 से मल्टीप्लाई, अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, तो देखो कैंसिल करना कितना आसान है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब मैं 61 को भाग देता हूं इसमें, 61 को किसमें भाग दे रहा हूं, 61 का भाग दे रहा हूं मैं आपको 1525 में, तो 61 को मैं भाग देता हूं 1525। देखो ध्यान से कितनी बार में, 3 बार में जाएगा, नहीं 2 बार में जाएगा, तो 2 बार में कितना हो जाएगा 2 6 2 12 कितना हो गया 0, ये 3 और 5, 5 बार में चला गया, यानी ये कितना 25 टाइम्स में कट जाएगा, और 25 × 8 कितना होता है 200, और 200 × 0 यानी कि 2000 हमारा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ गया प्रिंसिपल, कौन सा मैच कर गया, ए इज द राइट आंसर। ये सबसे इजिएस्ट वे है करने का इस तरह से, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन 3 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले पे हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन को आसानी से कर ले रहे हैं, तो नो नीड टू फॉर्मूला, कि आप फॉर्मूला से जाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगर इसको चाहो तो परसेंटेज मेथड से भी जा सकते हो, परसेंटेज मेथड से कैसे जा सकते हो, देखो सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का क्या होगा, 1 साल का 5%, तो 3 साल का 5 × 3 यानी कितना हो गया 15%, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का निकालना है, पहले साल का 5%, दूसरे साल का 5% और तीसरे साल का 5%, तो पहले इन दो को पिक करना पड़ेगा, इन दो को पिक करके हम फॉर्मूला यूज करेंगे 5 + 5 + 5 × 5/100, तो यहां से हमारा 10.25%, और इसको हम इधर लेके आएंगे 10.25 फिर 5%, इन दोनों में दोनों पे फार्मूला लगाऊंगा वो वाला a + b, 10.25 + 5 + 10.25 × 5/100, तो इन दोनों पे आएगा हमारा 15 point, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, देखिए मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, हम ये मेथड भी आप बना सकते हो क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि इसको ना जाओ 15.67625%, ये परसेंट आया, ये क्या है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का, कंपाउंड इंटरेस्ट, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट
ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का, ये कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का, ये कितना है परसेंट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 0.7625%, और वो डिफरेंस की वैल्यू कितनी दी गई है 15.25, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15.25/0.7625। तो हमें पूछा गया सम, सम अपने आप में क्या होता है 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा आपका 2000 रुपीज। लेकिन आपको कैलकुलेशन यहां भी करना होगा और यहां भी करना होगा, इसीलिए हम बॉक्स मेथड, हाँ क्वेश्चन बन जाएगा इस मेथड से भी, लेकिन बॉक्स मेथड इज सफिशियंट फॉर दैट क्वेश्चन, ओके। और आप आसानी से क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कर सकते हो, और हमेशा बॉक्स मेथड एस 3 साल के क्वेश्चन को आसानी से कर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। देखिए 39 क्या कहा गया है आपको, क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसको क्वेश्चन को करना सीख गए तो आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। ए पर्सन डिपॉजिट 6000 इन ए बैंक एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, एंड अनदर 5000 एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर द डिफरेंस ऑफ देयर इंटरेस्ट इज। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी टाइप में क्वेश्चन हो जाता है, इसमें कोई लॉजिक है नहीं, आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो पहले क्या दिया गया है, जो पहले दिया गया देखिए प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट की बात किया जा रहा है, प्रिंसिपल दिया गया है 6000, रेट दिया गया है 5% पर एनम, टाइम दिया गया है 2 ईयर। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लूं, 2 साल का कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या था PRT/100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो, 6 5 30 30 2 60, यानी 600 रुपया क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या दिया गया, प्रिंसिपल दिया गया है 5000, रेट दिया गया है 8%, और टाइम दिया गया है कितना 2 ईयर। अब देखो तो मैं वही बॉक्स मेथड से इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लूं, फर्स्ट सेकेंड 2 ही साल की बात हो रही है, तो देखो 5000 का 8% 8/100 यानी कितना हो गया 400, यानी मैं एक्चुअल निकाल रहा हूं, पहले सिंपल इंटरेस्ट 400, दूसरे साल भी 400, और यहां पे क्या होगा इस 400 का 8%, तो 400 का 8% इसका 8% निकालूंगा, तो 8/100 यानी 32, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ये टोटल होता है, तो टोटल कितना हो गया 400 400 800 और 32, यानी 832 रुपए क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का, और ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का, ये एक्चुअल वैल्यू आया। हमें क्या कहा जा रहा है द डिफरेंस ऑफ देयर इंटरेस्ट, इन दोनों में डिफरेंस बताओ 832 - 600, यानी कितना का डिफरेंस है 832 है ना, यानी 232 रुपए का डिफरेंस है। तो कौन सा आंसर मैच करते हैं डी, ये तो सिंपल क्वेश्चन तरीके से हमें, जस्ट सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया, और यही आपको करना है, आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसको एक और तरीके से बना सकते थे, देखो वो भी तरीका मैं बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो जाओ। देखो सिंपल इंटरेस्ट तो वही होगा PRT/100, सिंपल इंटरेस्ट तो इसी तरह से निकाल दो, 6000 है सिंपल, 5 × 2/100 यानी कितना हो गया 600 रुपया क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बॉक्स मेथड ना करके आप नॉर्मली निकाल सकते थे, कैसे देखो 5000 प्रिंसिपल है, इसका 8%, पहले 8% कितना 5000 का 8% यानी 400, यानी 400 क्या हो गया इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का हुआ, अब कितना हो गया अमाउंट जोड़ दूं तो 5400, अब 5400 आ गया, फिर इसका 8% निकाल दो, तो 5400 का 8% 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40, 40 × 3 = 43, 432, इसको जोड़ूंगा तो अमाउंट आएगा, लेकिन हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का, यानी सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना हो गया, देखो ध्यान से ये 400 और ये 432, यानी 400 + 432 कितना हो गया 832 रुपए, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों में डिफरेंस पूछा गया है, यानी 832 - 600 यानी कितना हो गया 232 रुपए क्या हो गया। तो ये आप इस तरह से भी जा सकते हो, आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया गया, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना इन 2 ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर एंड 3%
पर एनम फॉर सेकेंड ईयर इज। देखो क्या दिया गया, प्रिंसिपल दिया गया है 2000 रुपीज, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट दिया गया है, टू ईयर की टाइम, टू ईयर की बात किया जा रहा है, जो फर्स्ट ईयर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 4% पर एनम लेगा, दूसरे साल जो रेट लगेगा ब्याज की दर वो 3% के हिसाब से लगेगा। तो हमें क्वेश्चन क्या कहा गया है कि दो साल में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो वहीं अभी देखो, एक तो तरीका इसको रेशियो मेथड से मैं करा देता हूं। तो 4% की वैल्यू कितनी होती है, 4% 1/25, और इंटरेस्ट यानी प्लस यानी प्रिंसिपल और अमाउंट, यानी प्रिंसिपल अगर 25 यूनिट है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 26, ये फर्स्ट ईयर। दूसरे साल क्या है, 3% यानी 3/100, यानी प्रिंसिपल अगर दूसरे साल प्रिंसिपल 100 यूनिट है तो इंटरेस्ट 3 का बढ़ा यानी 103। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2500 दो साल का, और यहाँ पे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई करूंगा 103 को 26 से। अब देखो 103 को 26 से मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, 103 को 20 में कर लूं तो 3 दो नीचे 0, 2 0 प्लस 6 का मल्टीप्लाई करूं, 6 3 18, 1 और 6 यानी कितना हो गया 8 6 1 7 6 2678 आ गया। ये आ गया हमारा क्या 2678। चलो अब इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक मिनट, हमारा क्वेश्चन सही तो जा रहा है ना कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है 2678। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं, अब हमें क्या दिया गया और क्या पूछा गया। प्रिंसिपल देखो दिया गया है इतना, बस कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, प्रिंसिपल इतना दिया गया यानी 2500 यूनिट की वैल्यू कितना दिया गया है 2000 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू 20 से 20 में काट लेता हूं तो 20/25, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 3 साल का प्रिंसिपल और ये 3 साल का अमाउंट यानी इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना, इसमें से इसको घटा दें तो कितना हो गया 8, 7 और 1, 178 यूनिट की वैल्यू 178। अब ये तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लूं 5 चौके 20 50 25, चलो 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 चौके 32, 17 चौके 68, 68 69 70 71 से इतना अपॉन 5 भाग दे लूं तो 5 इकाई 5 कितना बचा 4, 5 8 40 कितना बचा 5 2 10, 5 चौके 20। कहीं पे मिस्टेक तो नहीं कर दिए ना हम लोगों ने, क्योंकि हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है। एक मिनट, 5 से अगर मैं भाग कर देता हूँ 712, यहाँ पे डिवाइड करने में गलती हुई यार, 5 इकाई 5 2 0 तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 हो गया तो कितना बचा, हाँ यहाँ पे 144.40 आंसर आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमने क्या किया था कैलकुलेशन, इसको डिवाइड कर लेना, देखो 5 इकाई 5 कितना बचा 2, 5 चौके 20 कितना बचा 1, तो 5 2 10 और नहीं जाएगा तो कितना बचा 4, 20 तो 5 चौके 40, ये आंसर आ गया। एक तो तरीका ये रहा रेशियो मेथड। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका हम यूज कर सकते हैं बेसिक अप्रोच, एकदम बेसिक जैसे हम करते आते हैं। प्रिंसिपल कितना है 2000, पहले साल फर्स्ट ईयर कितना रेट लग रहा है 4%, यानी 2000 का 4% निकाल लो कितना हो गया 80, यानी 80 पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया क्या फर्स्ट ईयर का, कितना हो जाएगा अमाउंट बढ़ के रखे 2080, ये अमाउंट हो गया। अब दूसरे साल क्या लग रहा है 3%, तो 2080 का 3% निकाल लूं 3/100 कैंसिल मल्टीप्लाई कर लूं 8 लेके 24 2 3 9 6 अपॉन 10 यानी कितना हो गया 62.4। ये ऐड करूंगा तो अमाउंट आएगा, लेकिन हमें ये क्या चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दूसरे साल का क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहा है तो बस इन दोनों को जोड़ दो 80 और 62.4, ठीक है, तो 80 प्लस 62.4 80 और कितना हो गया 142.40 आ गया हमारा आंसर, कौन सा मैच कर गया ए। तो अब बहुत तरीका है आपको क्वेश्चन बनाने का, आपके पास लॉजिक एज वेल एज कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आप क्वेश्चन को बना सकते हो। तो इस वीडियो में हमने देखे 31 to 40 क्वेश्चन, जिसमें आपको CGL के प्रीमेंस के भी क्वेश्चन इंक्लूड थे, CPO प्रीमेंस के क्वेश्चन इंक्लूड थे, CHSL के भी 1-2 क्वेश्चन इंक्लूड थे और MTS एग्जाम के इंक्लूड थे क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छी लगी तो वही है, लाइक करना और नहीं करना है आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपको सेशन से हेल्प मिल रहा है तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए मेरे दो पेड कोर्स हैं, अगर आपको जिसको रीजनिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की फी है 300 रुपीज। इसमें आपको 100+ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों सेक्शन मिलेगा, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा और पीडीएफ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा। और ये सेशन भी बाइलिंगुअल है, यानी क्वेश्चन का लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में है, और आप इसको लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हैं। और सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटेक सारे एग्जाम को ये कवर अप कर देगा। एक स्पेशल साइंस स्पेशल कोर्स है जिस कोर्स की फी है 499। इसमें क्या है, आपको सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटेक एग्जाम तो कवर अप होगा ही होगा, स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी के लिए कोर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का जो अपकमिंग एग्जाम होगा उसमें 40 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं। इस 40 क्वेश्चन में से आपको 12 से 13 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं, जो आपको यहाँ से कवर अप हो जाएगा। 100+ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को आपको कॉन्सेप्ट कराए जा रहे हैं। उसके बाद आपको जिस टॉपिक्स की पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करनी चाहिए उसकी पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिस टॉपिक की प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करनी चाहिए उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। और ये भी सेशन क्या है, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात आती है आपने ज्वाइन कैसे कर सकते हो, तो आप अमाउंट किस तरह से पे कर सकते हो, 3-4 ऑप्शन मैं दिया हूँ। पेटीएम ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, ये मेरा पेटीएम ऐप्स गिवन नंबर दिया गया है। गूगल तेज ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, ये मेरा गूगल तेज ऐप नंबर दिया गया है। फोनपे ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, यहाँ पे मेरा फोनपे ऐप्स नंबर गिवन है। या अगर आप चाहते हो अकाउंट नंबर के थ्रू पे करना, तो यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर भी गिवन है। अब बात आती है कि आपने पे तो कर दिया, आपको कोर्स कैसे मिलेगा, तो पे करने के बाद आपको उस पे स्लिप की स्क्रीनशॉट इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे क्या करना होगा, सेंड करना होगा। उसके बाद मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप एक्सेस करना स्टार्ट कर दोगे जिस भी कोर्स के लिए आपने ज्वाइन किया। वही चीज है, ये अपकमिंग वीडियो चाहते हो तो आप सेशन को जितना से ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ताकि आपको वहां पे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट नए तरीके के साथ। थैंक यू।